हेलो एवरीवन, दिस इज़ एक इन 22। आप सभी का स्वागत है आरएल क्राफ्ट के एक और एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने ये क्वार्ट्ज़ेल पकड़ा था और अभी तक मैंने सोल स्टोन बनाया नहीं है ताकि मैं इसको क्या समन कर सकूं। और पीछे देखो हमारे क्या है, वोल्डेमॉर्ट का वो है, क्या है, पैलेस है जो हमने ढूंढा था और वही हमारा बेस बनने वाला है अब। ओ, इसको डैमेज किस चीज़ का मिल रहा है? नहीं नहीं हील मिल रहा है। ओके, तो पहले, इससे पहले कि ये कहीं भागे, मैंने इसको सैडल भी पहना दिया है और अभी हमारे पीछे पीछे घूमता रहता है। रुको, ओके, तो ए, वेट 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 ओके, देखो मैं इसको आर्मर भी पहना सकता हूँ और चेस्ट भी पहना सकता है। अब ये मुझे ये मेन्यू यहाँ से मैं इसको सेट कराता हूँ। ये मेन्यू हटाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि ये मेन्यू बीच में आता है इसका। ओके, सेट कर दिया, अब बैठा रहेगा ये। नाइस, तो मैं अपने घर से एमुलेट लेकर आया हूँ। एमुलेट क्या? सॉल गैजर, ये सॉल गैजर है तो इससे आप बना सकते हो, ठीक है, इससे सोल स्टोन बना सकते हो। तो सोल स्टोन के लिए SOUL, ये रहा, सोल गैजर चाहिए रहता है और चार डायमंड और चार एंड पल। तो डायमंड तो हमारे पास अभी बहुत सारे, चार डायमंड और चार एंड पल ये आ गया। और अच्छी चीज़ है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता सोल गैजर, इसको आप इन्फिनिट अमाउंट तक यूज़ कर सकते हो। तो इसको कैसे रखना है, लाइक दिस 2 3 4 ये, और इसको रखो अब इसके अंदर। अब हम जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये हमारा सोल मेट बन जाएगा। नाइस, योर क्वाड्जो ड्रैकल हैज फाउंड, यू विल नाउ टू फाइंड इट योर माउंट मैनेजर। नाइस, फॉलो वंडर, तो मैं इसे असिस्ट करके रखता हूँ। असिस्ट एंड फॉलो तो नहीं, सेट है अभी, ठीक है, ताकि ये भागे ना कहीं पर भी। और मैं इसको अब डिसमिस करके वापस स्पॉन भी करा सकता हूँ। इसमें जाकर पेट्स, ये देखो क्वाड्जो ड्रैकल, तो मैं इसे डिसमिस करता हूँ। फिर मुझे इसको स्पॉन कराने के लिए मेरी स्प्रिट जो है वो फुल हो जानी चाहिए तब तक। ओके, गया, तो ये हुआ है। पर मुझे ड्रैगन, मेरा जो ड्रैगन है उसको भी ऐसा ही करना है कि मैं उसको स्पॉन करा सकूं। उसके लिए बहुत मस्त चीज़ इसमें है। ओ, ये सर्पेंट कहाँ से आया? इसको मारा जाए क्या सी सर्पेंट को, क्योंकि मेरा स्पॉन यहीं पर ही है। वी कैन किल हिम। किधर गया? डैम डूड, भाग गया क्या? ये ऊपर कैसे निकल के आया था? मेरे पास बो भी नहीं है। डैम, सारे बोज मेरे, अरे इसमें रखे हुए हैं ना, ये तो रहे। पर मेरे पास बोल्ट, अभी तक मेरा एजिलिटी 18 नहीं हुआ है। रुको, मैं कर सकता हूँ क्या एजिलिटी? नोप, वो देखो हो रहा, मैं इसको मार सकता हूँ वैसे। रुको रुको, मेरे पास बोल्ट अगर मैं बना लूँ तो मार सकता हूँ, और मेरे पास सफिशेंट फेदर होंगे। तो मेरे पास कमांड स्टाफ भी नहीं है, सैड। इसके साथ 1-on-1 करें क्या हम? लेट्स सी, जितने फैदर है उतने तो बना लेता हूँ मैं। ओके, जितने फैदर है उतने के तो बोल्ट बना लेते हैं। इसको यहाँ रखो, इसको ऊपर, और भी लास्ट में फैदर। नाइस, और फैदर नहीं है ना? नहीं है। और मेरे पास कितने बनेंगे? 8 16 8 ही बने यार। मेरे पास फैदर होते तो मैं और बना लेता, कोई बात नहीं, हमारे पास तलवार है। पर मैं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। और स्वॉर्ड भी लेके चलता हूँ मैं। कंपास रख दो, टॉर्चेस रख दो, इनकी ज़रूरत नहीं है। और क्या लेना था मुझे? बोल्ट, नाइस। मैं पानी पी के आता हूँ नीचे जाके।
देखते हैं वो स्पॉन यहीं पर ही है कि चले गया। नहीं, यहीं पर ही घूम रहा है गधा कहीं का। नॉइस, अब सी सर्पेंट को मारेंगे हम। ये इस तरफ क्यों आ रहा है? ये लैंड पे घूम सकता है क्या? बात है, चलो इट्स टाइम टू समन अर क्वाड्सल। नाइस बॉय, लेट्स मूव, वी हैव टू किल अ सर्पेंट। ये रहा इसकी हेल्थ, तो देखनी है मुझे। शिट, अब एक जगह खड़े रहे गधे। ओ पड़ा पड़ा, नाइस नूब। ये ऊपर कैसे आया वैसे? ये कुछ छोड़ रहा है क्या? मुझे डैमेज मिला एक हार्ट का तो। ओके दैट वाज द लास्ट वन। मुझे देखना इसकी हेल्थ कितनी है। ये वैसे छोड़ सकता है पर ये अभी सरफेस पे ना, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा है। मेरी कमांड स्टाफ भी नहीं है, नहीं तो मैं धोता इसको पकड़ के। रुको, हम हमारे क्वाड्सल को छोड़कर आते हैं और फिर मारेंगे इसको। नहीं, क्वाड्सल को नहीं, ये हमारी जो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड क्या बोलते हैं, फ्लाई में, इसको रख कर आते हैं फिर मारते हैं इसको, गधे को। देखते हैं हम उड़ उड़ के मार सकते हैं क्या। That was bad. उड़ के जाना इतना सही नहीं है, हम पैदल जाते हैं। और मुझे अगर कहीं मुर्गी मिलती है तो मैं बोल्ट बना लूँगा। साला वन हिट किल करता है वो। किधर गया? वहीं पर खड़ा हुआ है अभी भी। होपफुली मैं मरूँ ना। हेलो यू लिटिल स्निच। साला इसका डैमेज इतना पावरफुल है, एक हिट में उड़ा देता है ये। मुझे इसको एक हिट करनी है वैसे, कैसे भी करके। मरा साला, साला ब्लास्ट करता है। क्या गिराया इसने? ओह नाइस, सी सर्पेंट फैंग, दैट्स गुड। रुको, मेरी स्वॉर्ड में कुछ ऐसा तो नहीं है? लाइफ स्टील है, हॉन्स द कॉम्बैट 2 है। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई स्किल्स मिले, सर्पेंट स्किल्स, नाइस। अच्छा हुआ मैंने क्वाड्सल को सोल स्टोन में घुसा दिया था पहले। चलो अब यहाँ पर हम सी सर्पेंट्स का, तो अपन फिर ये स्केल से भी मैं बना सकता हूँ अपना आर्मर, है ना, जैसे ड्रैगन स्केल से बनता है। और फैंग्स भी इसने ड्रॉप करें, दैट्स नाइस। क्योंकि आपके जो माउंट्स रहते हैं ना, फ्लायर्स जो भी माउंट्स हैं, वो बहुत लो लेवल के रहते हैं, तो वो इंस्टेंटली मर जाते हैं। आपकी जितनी हेल्थ रहती है उसकी भी, यानी आपसे ज़्यादा रहती है, पर वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाते। नाइस, चलो ये तो कर लिया है हमने। अब मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ, कभी गया नहीं हूँ, और उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें घर पे रख के आता हूँ फटाफट से, फिर हम जाएंगे इसमें। मुझे स्लोनेस क्यों है, स्लोनेस क्यों मिल रही है मुझको? अच्छा मेरा पैर टूट गया है, ओके मुझे रिकवर करनी पड़ेगी, इसलिए स्लोनेस मिल रही है। ओके तो इसको तो मैं रखने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये वैल्यूबल है हमारे लिए। सी सर्पेंट स्केल्स मिल गए, फैंग्स मिल गए, नाइस। ओके और हमारा बो भी डाल दो। अब मैं बोल्ट लेके रखूँगा, क्योंकि बोल्ट बहुत अच्छे अच्छा डैमेज करते हैं, ठीक है।
तो मुझे रिकवर करने के बाद मेरे सब पास बैंडेजेस भी नहीं है अब। ये बात नहीं, चलो ऐसे ही चलते हैं, मरे तो मरे। मेरा आर्मर आर्मर मेरा गया है, क्योंकि वूल आर्मर है इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते उसका हम। इसमें है क्या, मेरे को देखना है। ये एजिस इसकी प्रोटेक्शन करके क्यों बैठे रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक नेटवर्क घूम रहा है। हेलो, अगर इसके अंदर जाऊँगा तो ये क्या मेरे पे हमला तो नहीं करेंगे? नोप। स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पे। है क्या यहाँ पर? टर्की घूम रहा है। नाइस, सैडल में इसी में मिल गए। मैं फालतू में इधर उधर घूम रहा था। ये क्या है? एक कॉल्ड्रॉन इन्होंने क्यों रखा हुआ है? एक गोल्ड ब्लॉक है। ओके, अच्छा ये नेटवेट का घर है क्या? यहाँ पर दो बेड लगे हैं, ये बेल्स है। नाइस, ओर्स रखे हुए आयरन और गोल्ड के। इंटरेस्टिंग। चलो मैं ओक सैपलिंग ले लेता हूँ, सैडल भी ले लेता हूँ। नहीं, सैडल मैं इसी के अंदर रखता हूँ। चलो लेट्स सी यू गाइस अराउंड। नाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रीज भी लगाने हैं काफ़ी सारे। तो सैपलिंग मिल गई है मुझे ओक की। मुझे सोना पड़ेगा मेरी हेल्थ रिकवर करने के लिए। ओके, तो आज का स्पेशल एपिसोड इसलिए है क्योंकि हम जाने वाले हैं हमारे घर पे। स्पेशल क्या है, नॉर्मल ही है, पर हम एक और चीज़ बनाने वाले, वो भी हमारे ड्रैगन के लिए। तो मैं हमारे माउंट से पहले मैं सो जाता हूँ ताकि मेरा जो हेल्थ है वो रिकवर हो जाए, और फिर हम स्पॉन करेंगे हमारा कॉटजल, फिर यहाँ से चलेंगे। मैं एक आर्मर भी बना लेता हूँ, वूल का चेस्ट प्लेट। और क्या टूटने वाला है? मेरी पैंट्स भी टूट गई है। चलो इतना अब ये टूटेगी जब मैं पहनूंगा। अरे यार, मुझे बूट्स बनाने थे, मैंने फालतू में ही बना दिया। कोई बात नहीं, इसको रखो यहाँ पर। वूल पैंट्स टूट जाएगी तो मैं पहन लूँगा इसे। ओके, कंपस ले लो, बेड ले लेते हैं। और हमारे पास उधर ये तो है ही सही, एंड चेस्ट। और क्या बनाऊँगा मैं वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पर मैं स्मेल्ट कर रहा हूँ, ये देखो, ये जितने भी हैं कॉबलस्टोन्स वो स्मेल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रास्ता बनाने वाला हूँ नागेश वो वोल्डेमॉर्ट के घर तक के लिए। और वो रहेगा स्ट्रेट वहाँ से स्ट्रेट रहेगा। पहले मैं यहाँ से पाथ बनाऊँगा एक, पहले मेरे को सर्च करना है कि इसके अंदर है क्या, ठीक है? और फिर ये हमारी बेस का सेंटर रहने वाला है, तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट रास्ता जाएगा इसके अंदर पे, ठीक है? तो इसीलिए मैं स्मेल्ट कर रहा हूँ ताकि मैं ब्रिक्स बना सकूँ, और ब्रिक्स से फिर स्लैब्स बनाएंगे। इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, मुझे और लावा लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो वेट करते हैं रात का, फिर सोते हैं। मैं पानी पी के आ जाऊँ, ब्लाइंडनेस हो रही है मुझको। ओके, सुबह हो गई है और मैं क्वार्ट्ज़ल को स्पॉन करा देता हूँ। पेट्स समन। ये डिसमिस क्यों है? ये है किधर फिर ये? अच्छा, मैंने इसे सेट करवाया था क्या? रुको, मैं फिर रायकू को करता हूँ, इसको डिसमिस कर देते हैं। अब समन कर सकता हूँ क्या? नहीं, स्पिरिटिंग कॉस्ट मेरी अभी है नहीं। तो लो, जब तक ये हो रहा है, जब तक मैं एक और चीज़ जो मुझे बनानी है वो है बैंडेजेस, क्योंकि आप बैंडेजेस से हील कर सकते हो अपने बॉडी पार्ट्स। जैसे मुझे अभी वो हो रहा था चलने में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर। हाँ, प्लास्टर, प्लास्टर बना सकते हैं हम। नहीं, इसके लिए भी हीलिंग्स लिए ये चाहिए, साल्व, हीलिंग सेल्व, कैक्टस बोल। ओ, ये बना सकता हूँ मैं, पेपर और स्ट्रिंग। पर स्ट्रिंग भी है कि नहीं मेरे पास? स्ट्रिंग नहीं है, स्वैड। कोई बात नहीं,
अभी हम वेट करते हैं ताकि हमारा पार्सल आ गया। नाइस, गुड बॉय। ओके, तो अब सीधे मैं अपने घर पे चलता हूँ। मैंने स्पॉन तो यहाँ का सेट कर दिया है, घर जाते हैं। कंपास कहाँ है हमारा? हमें जाना है साउथ, नहीं साउथ नहीं जाना है, हमें जाना है कौन से डायरेक्शन में जाना है देखें। हमें 3000 जाना है, हमें ईस्ट जाना है। ओके, तो ईस्ट में जाना है, बहुत दूर है वैसे पता है। और जो वे पॉइंट है उसको बनाने के लिए, बाप रे द ड्रैगन है क्या, शूट्स। ठीक है, वे पॉइंट बनाने के लिए आपको जो वो चाहिए रहता, नेदर स्टार चाहिए रहता, तो नेदर स्टार अभी मेरे पास है नहीं। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे हमारे घर पे। रेडी? ऑलरेडी, वी आर बैक होम। अब जो चीज़ मुझे बनानी थी, ठीक है, वो है मेरे पास ड्रैगन बोन्स कम नहीं पड़ेगी वैसे तो। उसके लिए मुझे बनाना है ये, ताकि मैं अपने ड्रैगन को संभाल के रख सकूं, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी और मुझे पता नहीं था कि ड्रैगन हॉर्न इसमें है। मैंने देखा था पर ये किस काम आता था वो मुझे पता नहीं था। इसमें आपको 4 बोन्स एक स्टिक चाहिए, ठीक है। और एज़ यूजुअल हमारे पास स्टिक्स होगी नहीं, है ना? यस, बिकॉज वी आर सो लेम। ओ, लेवल 2 के सिंडर ब्लेड है, नाइस। वी डोंट हैव द स्टिक्स, नॉइस। चलो लेकर आते हैं, ठीक है। तो ड्रैगन हॉर्न क्या काम करता है वो आपको अभी पता चल जाएगा, और ड्रैगन फ्लूट भी बनाऊंगा, और दोनों बहुत वो है, मतलब कि ज़रूरी चीज़ है, ड्रैगन फ्लूट और ड्रैगन हॉर्न। रुको, पहले मैं ये उतार दूँ। ओके, कितनी स्टिक्स मिली? 5 मिल गई है। ओके, तो अब ड्रैगन हॉर्न कैसे बनाते हैं? इसके लिए आपको चाहिए ड्रैगन बोन 4 और एक स्टिक, ठीक है। एंड यू हैव टू जस्ट पुट इट हियर लाइक दिस, नो लाइक दिस, नॉट लाइक दैट। कैसे पुट करना है? ओके, ऐसे लगानी है आपको, तो आपके मिलता है एक ड्रैगन हॉर्न। ये आ गया हमारे पास ड्रैगन हॉर्न। अब इसकी कैसे क्या यूज़ है वो बताता हूँ, पर इससे पहले हम फ्लूट भी बना लेते हैं। फ्लूट के लिए आयरन और सिर्फ 2 बोन्स चाहिए रहती है, तो मुझे एक और ड्रैगन मारना पड़ेगा। ओके, और आयरन 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 आयरन, मैं सारा आयरन उधर ही रखा है क्या? ओके, ये आ गया। इसमें यहाँ पर आयरन रखो और 2 बोन्स लगाओ, तो ड्रैगन फ्लूट बन जाती है। अब ड्रैगन फ्लूट किस लिए काम आती है? ड्रैगन फ्लूट काम आती है अगर कोई भी ड्रैगन आपका ऊपर घूम गया, ऊपर घूम रहा है मतलब वॉन्डरिंग पे है और ऊपर उड़ रहा है, और आपको उसको नीचे बुलाना है, तो सिर्फ आपको ये फ्लूट बजानी रहती है तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और सिर्फ और ये सिर्फ काम करता है टेम्ड ड्रैगन्स पे, वाइल्ड ड्रैगन्स पे नहीं करता है। साहब जोरदार है इसका, तो इसको सुन के कहीं वाइल्ड ड्रैगन इधर ना आ जाए। ओके, तो ये इसलिए काम आता है अगर आपके पास टीम ड्रैगन है और वॉन्डरिंग पे है वो और इधर उधर उड़ रहा है, तो आप सिर्फ आपको ये ड्रैगन फ्रूट बजानी पड़ती है और ये नीचे आ जाता है। ये ग्रिफिन्स पे भी काम करता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉर्न कैसे काम करता है। हॉर्न ऐसे आप करोगे तो कुछ काम नहीं करता है, आपको सिर्फ जाना है इसके पास में और राइट क्लिक करना है, और आपका ड्रैगन गायब, और ड्रैगन आ जाता है इसके अंदर। ये देखो, ये रहा। इसके अंदर बताता है आपको कि इसके अंदर ड्रैगन है और फीमेल जेंडर का है, मुझे पता नहीं था व्हाट। और इसमें आपका जेंडर भी बताता है। फायर ड्रैगन अननेम्ड स्टेज 2, 37 डे हो चुके हैं इसको, ठीक है, और फीमेल ड्रैगन है। अब मैं इसको, अगर आपको इसको वापस बाहर निकालना है तो रुको, हाँ ये आ गया बाहर, आपको होल्ड करके रखना पड़ता है बस। ये देखो ओनर कौन है, एक इन 22 स्टेज 2 37। मैंने कभी इस पर राइट शिफ्ट किया तो होगा एक बार, पर मैंने शायद इसको देखा नहीं। तो ये हमारा बॉय नहीं है, ये गर्ल है। ओके ओके, तो इसका नाम मुझे देना है, इसका अभी तक नाम नहीं दिया। नाम कैसे दे सकते हैं हम इसको? डायरेक्ट उससे दे सकते हैं कि नेम टैग होना चाहिए, ड्रैगन नेम टैग नहीं है।
तो अब नेक्स्ट अच्छी बाप रे ड्रैगन आर्मर बनाऊंगा मैं। क्योंकि अब हमारे पास वॉल हैक्स हैं, तो वॉल हैक्स ऑन करके हम अच्छा खासा डायमंड कलेक्ट कर सकते हैं, और गिफ्ट से भी हमें मिलते हैं डायमंड्स। बस एक वो मिल जाए, क्या मिल जाए, ब्लड मून मिल जाए। ओह ये क्या था, ब्लाइंड कोबोल्ट, ब्लाइथ कोबोल्ट, ये मेरा ब्लाइथ कोबोल्ट किधर है, वॉज स्लेन बाय। ये क्या नोटिफिकेशन आया था। ओके तो ये अभी छोटा है, तो इसको मैं अपने जो हमारा जहाँ घर मेन बेस बनने वाली है वहाँ पर ले जाऊँगा मैं, और ये आ गया ड्रैगन हमारे इसके अंदर। तो आपको ऐसे आप मल्टीपल ड्रैगन्स कैरी कर सकते हो, और ज़रूर भी नहीं है कि उनका उसका वो भी नहीं रहता है कि कहीं पर अब मर गया आपका ड्रैगन तो क्या होगा। ठीक है, इसमें रख लिया, इसको आप सीधे डालो आपके अंडर चेस्ट में, ये निकालो। ये क्यों ऐसा करते हैं, मतलब ये कोई कोई स्टैकअप होते हैं, कोई कोई स्टैकअप नहीं होते। ये देखो ये शायद ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये आ गया ड्रैगन हॉर्न हमारा इसके अंदर, और रुको, हाँ फ्लूट कहाँ है मेरी, फ्लूट ये रही, तो फ्लूट भी इसमें अंदर रख रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ। ये निकालो, आयन है हमारा, फ्लूट है, मुझे बोल्ट ढेर सारे बनाने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ से जाने से पहले बोल्ट्स बना के जाऊँगा। ठीक है, तो ड्रैगन हॉर्न आ गया हमारा अब, और इसके अंदर रखा है, तो ये इसके ऊपर होवर करेगा तो आप बताता है इसमें कि ड्रैगन का नेम क्या है, कौन सा ड्रैगन है, और फायर ड्रैगन, हाँ शायद दोनों इसी में काम करते हैं, राइट। ड्रैगन फ्लूट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे देखना सी सर्पेंट के लिए जो रेड वाला आर्मर है, अच्छा ये इससे बनता है, नहीं ड्रैगन स्केल्स, तो ये क्या है, सी सर्पेंट स्केल्स, इससे कौन सा आर्मर बना सकते हैं हम फिर सर्पेंट से। सर्पेंट स्केल्स क्या काम आते हैं पता नहीं, आर्मर देखें कोई सा है आर्मर जो इसके हिस्से बनता हो। डेजर्ट बनता तो होगा, कोई ना कोई सा तो होगा, क्योंकि इसमें तो दिखा नहीं रहा है, या फिर किसी और काम आता हो ये। ओ जैकेट भी है, टक्सीडो भी बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं, टक्स, हाउ टू मेक द टक्स, टक्स मिलता होगा शायद इसमें। फुल डायमंड चेस्ट प्लेट ये बनाना है मुझे। ओके तो ये हो गया है, अब हमने हॉर्न बना लिया है ड्रैगन हॉर्न, हमें सी सर्पेंट का फैंग्स मिले हैं, 6 फैंग मिले हैं, और स्केल्स मिले हैं, और मेरा आर्मर तो यहाँ पर है, मुझे आर्मर भी लेके जाना है, मैं धीरे धीरे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लूँगा। ये वाली पचा मुझे सिंडर ब्लेड एक और चाहिए, और लेवल 3 की चाहिए इस बार मुझे। और हाँ एक और चीज़ होती है इसमें, आप रोटन फ्लैश रोटन एग्स से छोटे छोटे और छोटे छोटे ड्रैगन्स रहते हैं वो स्पॉन करा सकते हो, क्या तो नाम है उसका पता नहीं मुझे भी। हाँ मैं पहले यहाँ पर जाने से पहले, क्योंकि हमारे पास हमारा जो कलेक्शन बॉक्स है इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये है रॉटन एग्स। ओह विंटर गिफ्ट्स हैं, इसको खोलना है तो फेदर में ले लेता हूँ, और थोड़े और स्पॉन कराते हैं और फिर हम चलते हैं, क्योंकि मैं बोल्ट्स बना लूँ बीच में, अगर ड्रैगन मिलता है सर्पेंट मिलता है तो उनको मारने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसको बंद करो। तो क्या कर रहा था मैं, पहले अपना सामान रख दूँ ताकि मैं लूज ना करूँ इन्हें। ठीक है हाँ, और मुझे ये भी लेनी है, एटलस बुक भी लेनी है साथ में, ये बहुत काम आती है, ये मुझे एक्सप्लोर करना है।
अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है मैंने। विलेज वे पॉइंट कैसे लगाते हैं इसमें? ओके ये क्या है? लेबल। अच्छा ओके ये लेबल करने के लिए। ओके ओके मार्कर ऐड करने के लिए, जैसे ये हुआ तो मैं अपना घर मार्क कर सकता हूँ। ये हमारा घर है, होम, ये मार्क हो गया। ठीक है अब मैं इस पर होवर करूँगा तो ये दिखाएगा कि यहाँ पर होम है मेरा। ये मस्त चीज़ है, इसमें विलेजेस भी दिखाता है। ये रहा विलेज इधर, और विलेज मार्क्ड रहता है। और मुझे देखना है कि और क्या दिखाता है इसमें। विलेज दिखाता है, तो ये हमारा होम हो गया। ठीक है सेट, तो ये भी मैं अपने साथ में रखने की कोशिश करूँगा जहाँ पर भी जाऊँ। और भी आर्मर हटाओ, ये सब निकालो, इसे भी रख दो, गिफ्ट्स इसमें डालो। ठीक है वेपन्स इसमें रखो, कंपास भी इसमें रखो, बेड भी, फेदर्स भी। ओके अब मैं इसको फोड़ता हूँ, देखो इसमें से ये निकलता है। ठीक है ये क्या है? रुको इसका नाम पढ़ने दो। ये हमारा है क्या? ये छोटा रैप्टर दिख रहा है मुझे। कॉम्पी देखें आपने, आर्क में कॉम्पीज रहते हैं वो है। रुको मैं इसको मारता हूँ, मिलता है क्या है हमें? इसको मारने से कुछ तो मिलता होगा अच्छी चीज़। लेट्स सी। ए वेट, ओह अच्छा ये टीम्ड है। कॉकट्रेस, कॉकट्राइस, ये किस काम आते हैं? पर कॉकट्राइस इज फॉलोइंग नाउ। अच्छा ये मुझे फॉलो करेगा अब जहाँ पर भी जाऊँगा। नो सेट पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग सेटिंग। अच्छा पेट्रोलिंग करते हैं। ओके मुझे इसका देखना पड़ेगा है क्या ये। चलो और स्पॉन कराते हैं हम कॉकट्रेस। तो ये आपके पास अगर रोटन, ये है क्या कहते हैं, रोटन एग, तो इसको फोड़ने से कॉकट्राइस निकलते हैं। और भी रैंडम रहता है। ओ रैप्टर आया बाहर। अरे यार ये रैप्टर कहाँ से आया? रुको रुको रुको, ये रैप्टर तो मुझे चाहिए। और इसको टेम कर सकते हैं कि मुझे नॉलेज कैसे करा था मैं भूल गया। बीस्ट ट्रीट चाहिए मुझे, बीस्ट ट्रीट। ये रही मेरे पास रखी हुई है बीस्ट ट्रीट, इससे पहले कि ये गायब हो जाए। ये रही इतनी ही है, लेट मी ट्राई। ओ भाई कहाँ गया वो? मैं अपने इसको इसका हाथ में रखता हूँ। रात हो रही है और कुछ तो भी और स्पॉन हुए, बैट स्पॉन हुए इधर हमारे आसपास, पर वो कहाँ गया रैप्टर? अरे यार बहुत सही है वो, ऐसा दौड़ता है ना वो। ब्लड मून है क्या? नहीं ब्लड मून नहीं, पर इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं। वो गया किधर रैप्टर? ये क्या? नहीं अरे यार डी स्पॉन हो गया होगा, सैड। अच्छा रात हो रही है, चलो सो जाते हैं। ओके सुबह हो गई है, पर वो रैप्टर जो है वो भाग गया है यहाँ से। बी स्ट्रीट लेकर आया था पर भाग 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 गया है वो। और ऊपर एक वो स्पॉन हुआ है मेरे, क्या बोलते हैं, रीपर। ठीक है तो ये बी स्ट्रीट वापस से रखो, इसके अंदर हमारी स्वॉर्ड निकालो। रीपर को मारना पड़ेगा। ये बोल्ट्स रखे होते हैं मेरे पास, नाइस। कहाँ गया हमारा वेपन ऑफ चॉइस? थोड़ा सा खाना खा ले, माका मीट है ना हमारे पास, नाइस। अब आ जा बेटा तुझे देखते हम। ओ शूट्स, अबे रुक। वाह ये डिफ्लेक्ट करता है गधा, पड़ा उसको एक। नॉइस
लोल, ये बैट्स भी स्पॉन हुए क्या इधर पे? बैट से क्या मिलता होगा? चलेगा, हमारे ऊपर फूटा था एक इतनी जोर से। ओके, तो हमने हमारा ड्रैगन हॉर्न बना लिया है और ये कॉकट्राइस स्पॉन करा है, इंसोम्निया है अभी भी हमको। और ये रहा ड्रैगन हॉर्न, और इससे आप आपके ड्रैगन्स को स्पॉन करा सकते हो, कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ है, तो मेरे को यही चीज़ तो चाहिए थी कि मैं अपने ड्रैगन को लेके जा सकूँ यहाँ से। ठीक है, तो आसानी से आप ड्रैगन हॉर्न घुसा सकते हो। अगर आपका ड्रैगन कोई उड़ के भाग रहा है तो उसके लिए आपको फ्लूट बनानी पड़ती है, और फ्लूट से वो ड्रैगन जो है नीचे आ जाता है ईजी पीजी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो इस एपिसोड में इतना ही। हमने हमारी ड्रैगन फ्लूट बना ली है, ड्रैगन हॉर्न बना लिया है, और अब मैं यहाँ पर से धीरे धीरे सारा जो सामान है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा हमारे नए वाले घर में, और फिर वहाँ पर मैं स्पॉन करूँगा जब तक मैं इसको अपने, और फिर वहाँ पर ही हम इसको ग्रो करने वाले हैं जब तक मैं इसको अंडर चेस्ट में ही रखने वाला हूँ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आर्क सर्वाइवल आरएल क्राफ्ट माइनपुर की, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। ओके, सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।